महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है और चार दिनों तक चलने वाले इस त्यौहार को लेकर बाजार भी गुलजार हैं। मौसमी फल दौरा सूप सहित मिट्टी के चूल्हे से बाजार पूरी तरीके से सजा हुआ है और इस पर संवाददाता अमरनाथ पुदार ने इसका जायजा लिया है। नमस्कार, आज छठ व्रत है। छठ चार दिन का व्रत है जिसमें आज नहाए खाए है और कद्दू भात आज के दिन में अभी छठ व्रत की शुरुआत करते हैं कद्दू भात से। हम आपको बता दें कि छठ को लेकर पूरे बाजार सज चुकी है। बाजार में फल फूल नारियल पूजा सामग्री की सारी व्यवस्थाएं, माला हो गया, दीप हो गया, सारी चीज की व्यवस्थाएं बाजार में लेकर सज गए, बाजारें सज गई है। इसको लेकर आपको हम बता दें कि आप देख सकते हैं कि कुछ छठ व्रती लोग भी छठ के लिए मार्केटिंग करने आए हैं, बाजार करने आए हैं। हम आपसे आपको कुछ छठ व्रती से भी बात कराते हैं। छठ व्रती है? हाँ, छठ व्रती है। हम 2015 से कर रहे हैं। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। क्या क्या मानते हैं? सब मांगते हैं कि सब कोई खुश रहो, परिवार खुश रहे। हाँ जी, क्या स्थिति है बाजार? बाजार तो मोटा मोटी ठीक है, चल रहा है, लेकिन यही है कि थोड़ा अभी अंदर का मार्केट है, बाहर में हम लोग रोड पर है। ऐसा रहा इस बार का मार्केट, चुनाव भी है, मार्केट तो ठीक है, अभी चुनाव का कोई असर नहीं है। खैर, चुनाव का अभी माहौल में हम लोग नहीं, अभी छठ पूजा के माहौल में हम लोग है। वही है, छठ की खरीदारी के लिए निकले हुए हैं आज। माहौल देखिए बहुत अच्छा लग रहा है, व्यवस्था बहुत अच्छी है यहाँ पर। मार्केट कैसा? मार्केट तो अच्छा है, सभी लोग खुश हैं, कहीं किसी को दिक्कत नहीं हो रही है अभी यहाँ पर। देखते हैं, दो तीन दिन बाकी है अभी, मोबाइल के मार्केट के रंगत और बढ़ेगी अभी तो। क्या मान्यता है? मान्यता तो यही है कि छठ में छठी मैया जो है सबको सुखी संपन्न रखे, सबको रोगों से दूर रखे, सबके जीवन में खुशहाली बनाए रखे। कुछ महिला से बात कराते, जो छठ व्रती महिला है हमारे सामने, एक महिला है, छठ का मार्केटिंग करने आए हैं। हाँ हाँ, छठ का मार्केटिंग करने आए। कैसा है मार्केट? मार्केट तो बिल्कुल सजा हुआ है, चीजें उपलब्ध है, जो भी छठ पर्व के लायक होती है वह सभी, जो भी चीज प्रयोग होता है वह हर चीज उपलब्ध है। अच्छा, महिलाएं छठ करती है किस आस्था से? पुरुष भी करते हैं, किस आस्था को लेकर? जैसे सूर्य की मान्यता है कि ये जैसे आपका शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, पुत्र के लिए, समृद्धि के लिए, संपन्नता के लिए, हर तरह की उपासना, इसलिए सूर्य की लोग आराधना करते हैं। सूर्य की आराधना लोग स्वस्थ रहने के लिए, संपन्नता रहने के लिए करते हैं। आपको हम बताते चले कि ये पर्व महापर्व है, हर एक परिवार जिस जिस परिवार में पर्व होता है उस परिवार में इस तरह के खुशी उल्लास उमंग भरा हुआ रहता है। टीवी 45 के लिए अमरनाथ पोद्दार, बोकारो।